लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन चुनिंदा सीटों पर देश की निगाहें टिकी हैं, गोरखपुर उनमें से एक है। इस सीट पर सातवें चरण में 1 जून को मतदान होना है। 2019 में जीतने वाले रवि किशन शुक्ल पर भाजपा ने अपने गढ़ में लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। उनका सीधा मुकाबला सपा की काजल निषाद से है। हालांकि बसपा ने जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर लोकसभा सीट की अहम भूमिका है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पिछले 3-4 दशकों से यहां का गोरखनाथ मठ इसकी धुरी बना हुआ है। 1998 से 2017 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर के सांसद रहे और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें गोरखपुर सीट छोड़नी पड़ी। 2019 लोकसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता से नेता बने रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से उतारा। वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2024 में बीजेपी ने फिर उन पर भरोसा जताया है। वो जनता से डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कमल के निशान के लिए, जान झोंकने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। 19 करोड़ कार्यकर्ता आज कहें तो शहीद हो जाए अपने इस देश के लिए। सड़क चमचमा रही है, क्रूज चल रहा है पानी में, काम है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, जहाज है, रेलवे स्टेशन है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, बताना कुछ नहीं। लोग ताका और वोट करा, ये देख ला, पा गई ला, वोट करा, ये मिला था, वोट करा। इंडी गठबंधन की ओर से सपा उम्मीदवार काजल निषाद इस सीट पर भाजपा को चुनौती दे रही हैं। काजल भी अभिनय क्षेत्र से आती हैं और कांग्रेस के टिकट पर 2012 और सपा के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ ही 2023 में महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी चुनाव जीत नहीं सकी। हालांकि काजल निषाद को पूरा भरोसा है कि जनता इस बार उन्हें जरूर समर्थन देगी। मैं यहीं की हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, मैं लोकल हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है। फ्लाईओवर बनने चाहिए जिससे ट्रैफिक की समस्या से जनता को छुटकारा मिल सके। तो मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, मैं कोई बीडीसी नहीं हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी इतना दमदारी से जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कुछ बन जाऊंगी तो कितना दमदारी से लड़ूंगी। वहीं बसपा ने गोरखपुर से जावेद सिमनानी को उतार कर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस चुनावी लड़ाई के बीच जनता के अपने मुद्दे हैं और अपनी राय है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो इधर से कोई मुद्दा नहीं है। बस जो चल रहा है सतत वैसे ही चलता रहे। पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस जो है समझ में आता है, हिंदू मुसलमान से हमको मतलब नहीं है, लेकिन चेंजिंग है। हाँ, गोरखपुर सीट के संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआत से 1984 तक हुए 8 चुनावों में यहाँ 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि 2018 के लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर 1989 से अब तक इस सीट पर भाजपा का वर्चस्व देखने को मिला। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर में जबरदस्त जीत हासिल की थी और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से किसे जनादेश देती है। पूर्वांचल का प्रमुख शहर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। ऐसे में गोरखपुर के नतीजे क्या होंगे, सभी की निगाहें लगी रहेंगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD News गोरखपुर।